नमस्कार दोस्तों, YouTube के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो सरकारी नौकरी आपके किस्मत में है या नहीं है, इसको किस प्रकार से हम हाथ की रेखाओं से जान सकते हैं। सरकारी नौकरी अगर मिलेगा भी तो किस लेवल पे मिलेगा और कब मिलेगा और उसमें किस लेवल तक हमें जो है सरकारी नौकरी का महत्व प्राप्त होगा, क्या हम किसी को सजा दे सकते हैं या हम जज जा सकते हैं, जज बन सकते हैं। इस तरह के सभी प्रश्नों का उत्तर आज यहाँ पे हस्तरेखा के माध्यम से दिया जाएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। ये देखिए, जो आपके सामने जो हाथ दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसमें आपको जो ये रिंग फिंगर है जिसे हम अनामिका बोलते हैं, रिंग फिंगर को अनामिका बोलते हैं, तो इस हाथ पे जो ये सर्कल से इंडिकेट कर रहा हूँ, सूर्य पर्वत को इंडिकेट कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर बारीक से अगर आप देखो तो इस तरह का घुमावदार बना हुआ रहता है, घुमावदार बना रहता है। तो अगर ये घुमावदार जो बिल्कुल सेंटर का घुमावदार है, अगर उंगली के बिल्कुल सेंटर में आ रहा है तो समझ लीजिए कि आप एक बिल्कुल ISPCS के लेवल पे आप होंगे, बिल्कुल होंगे, एक बिल्कुल श्रेष्ठ पद पे आप होंगे। लेकिन अगर ये सर्कल आपका छोटी वाली उंगली की तरफ घिसक जा रहा है तो क्या बात, फिर तो अच्छा है, फिर तो आपका लेवल अच्छा मिलेगा। ISPCS से बड़े लेवल पे आप जरूर बनोगे, मेन स्ट्रीम में आप जाओगे। लेकिन अगर ये शनि पर्वत की तरफ अगर घूम रहा है तो ये आपको जज बना सकता है या सरकारी वकील बना सकता है। आप किसी को प्रिटेंड नहीं कर सकते, आप किसी को सजा नहीं दे सकते इस इधर की तरफ अगर घिसका हुआ है तो। लेकिन IAF बन सकते हो या वकील हुआ, जज हुआ, इस तरह के पद को आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मेन स्ट्रीम में जाना है, ISPCS अधिकारी टाइप का मेन स्ट्रीम बनना है, तो फिर इस घुमावदार को बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए और अगर बुध के तरफ है तो भी काम चल जाएगा। अब देखिए, और भी रेखाएं हैं सरकारी नौकरी का जो बता रहा हूं मैं आपको। देखिए, एक रेखा है अगर आपकी जो अंगूठा है, ठीक, अंगूठा को अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट करते हो तो अगर अंगूठा स्ट्रेट किए अगर छोटी वाली पोर से ऊपर चली जाए, जैसे अगर आपने अंगूठा को किया हुआ है जैसा दिखाई दे रहा है, तो जो आपके फर्स्ट उंगली अंगूठा का जो साइड की जो उंगली है उसका जो पहला पोर है उसके ऊपर चल जाए तो समझिए बिल्कुल मिल के रहेगा। और जो अनामिका है, जो छोटी वाली जो उंगली अनामिका होता है, जो छोटी वाली उंगली जो अनामिका होती है, इसमें अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट करते हो जैसा आपको दिखाई दे रहा है तो ये ऊपर के पोर जो है बगल वाली उंगली के उसके ऊपर चल जाए, क्या बात, तो भी आपको सरकारी नौकरी मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, अब एक चंद्र रेखाएं होती हैं, भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा से एक चंद्र रेखा जा रहा है जो भाग्य रेखा पे मिल रहा है तो भी आपको सरकारी नौकरी जरूर मिलेगा। अब देखिए, अब कमी क्या होता है, सूर्य पर्वत है जैसा दिखाई दे रहा है, सूर्य पर्वत पे बिल्कुल स्ट्रेट रेखा है तो सरकारी नौकरी मिलेगा, सरकार से आपको प्यार मिलेगा, सरकार से आपको सपोर्ट मिलेगा, किसी ना किसी रूप में सरकार का सपोर्ट आपके साथ रहेगा अगर ये सीधी रेखाएं है तो, चाहे प्रतिष्ठा में हो, चाहे किस सरकार राजनीति में हो, पॉलिटिक्स में हो, कैसे भी हो, ये मिलके जरूर रहेगा आपको, ठीक है। लेकिन अगर ये रेखाएं घूम भी बन गया या बट गया, इधर टेढ़ाएँ मड़े टूट गई या छोटी छोटी रेखाएं कई रेखाएं आ रही हैं, तो आपके अटेंशन में आप कमी है, आपके कंसंट्रेशन में कमी है, आप चीज़ों को कंसंट्रेट करके फोकस नहीं कर पा रहे हो, रिस्क नहीं ले पा रहे हो, इस तरह कई कमियां दिखाई पड़ती हैं जिसके वजह सरकारी नौकरी नहीं मिल पाता। क्यों, मैं ये भी बनूंगा, मैं तैयारी कर रहा हूं तो वकील का भी कर लो, BEd भी कर लो, बैंक का भी नौकरी कर लो, इस तरह कई समस्या इस रेखा वालों का आता है तो कहीं के नहीं रहते, उनको कुछ नहीं मिल पाता, मिलेगा भी तो लेट समय थोड़ा बहुत उनको मिलेगा लेकिन उस लेवल तक नहीं पहुँच सकते। इसके उपाय हैं, कर लीजिए, उपाय बताऊँगा फिर चीज़ें सही हो जाएंगी, ठीक। और यही अगर जो खड़ी रेखाएं हैं आ रहा है, लेफ्ट की तरफ हल्का सा मुड़ जाए या राइट की तरफ हल्का सा मुड़ जाए, क्या बात, फिर तो आप
देखिए सरकारी रेखा का मतलब ये नहीं, सरकारी कुछ कुछ रेखा ऐसे ही है जो आपको पीएम तक बना सकता है, मंत्री तक बना सकता है। कहने का आशय सरकार से आप जुड़े हुए रहोगे, ठीक है। तो अगर घुमा हुआ है या तो मंत्री बन जाओ या सरकारी नौकरी मिल जाए या अफसर बन जाओ, कुछ भी हो सकते हो। तो अगर ये रेखाएँ नीचे जाकर मुड़ गया है इधर चाहे उधर, तो आपको मिलेगा, ठीक है। तो उपाय क्या करना है, देखिए इसमें क्या होता है, जो रेखाएं जो धब्बी धब्बी हैं, टूट जा रही है, मुड़ जा रही है, इसमें लोगों का कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है। तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ पढ़िए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पुस्तक पढ़िए, उससे आपको बड़ा अद्भुत परिणाम मिलेगा। और जब सूर्योदय हो रहा है उस वक्त आप गायत्री का यज्ञ करिए या गायत्री का जाप करिए, सूर्योदय होते वक्त अद्भुत परिणाम, अद्भुत परिणाम। गाय का सेवा करिए, कुत्तों को रोटी दीजिए, और मंदिर का या अपने घर के ऊपर के जो जितने कूड़े करकट हैं उनको साफ करिए, मंदिर के करेंगे तो क्या बात है, ठीक है। इस तरह की कई विधि हैं जो आप करिए, प्रभु ने चाहा तो निश्चित तौर से आपको सरकारी नौकरी मिल कर ही रहेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर।